पीएम नरेंद्र मोदी के चीन रवाना होने से पहले गुरुवार रात कई मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए, जिनमें जल संसाधन मंत्री उमा भारती सहित 5 अन्य मंत्रियों का नाम शामिल है। अपने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उमा भारती ने ट्विटर के जरिए लिखा कि कल से चल रही मेरे इस्तीफे की खबरों पर मीडिया ने प्रतिक्रिया पूछी। इस पे उन्होंने कहा कि मैंने ये सवाल नहीं सुना है, ना ही सुनूंगी और ना ही जवाब दूंगी। दूसरी तरफ कौशल विकास मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा, पार्टी का निर्णय हुआ है कि आप इस्तीफा दें, ये बिल्कुल सामान्य है। सरकार में काम करने का मौका मिला, आगे भी पार्टी में काम करने का मौका मिले बस इसी अभियान के साथ चलते हैं। इस बारे में या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह या अध्यक्ष जी जिसको नामित करे वही बोल सकते हैं। वहीं इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने कहा, इस्तीफा मांगा गया, मैंने दे दिया, अब सारा समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रचार करेंगे। इससे पहले गुजरात चुनाव से जुड़े मंत्रियों के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को 1-2 और मंत्रियों को तलब किया था। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से बातचीत में कहा था, उन्हें लगता है कि रक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मेरे पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। उनके इस बयान से कैबिनेट विस्तार की अटकलों को और बल मिला था। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।